गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक चेक एडिटिंग। तो अगेन स्टेटस वीडियो के साथ आज हम ट्रेंडिंग रेनड्रॉप स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले अलाइट मोशन ऐप से। तो बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको अलाइट मोशन ऐप ओपन करना है और यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके साइज सेलेक्ट करनी है 1080x2340। फ्रेम रेट 30 fps, बैकग्राउंड को ब्लैक और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे इसका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को हमें ऐड कर लेंगे यहाँ पर सिंपली। तो इमेज वीडियो पर क्लिक करना है और उस बैकग्राउंड को मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। तो यही बैकग्राउंड है, इसको यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करके आपको फिल स्क्रीन कर देना है। यहाँ पर ये फिल स्क्रीन होने के बाद में आप इसकी ड्यूरेशन को जितना चाहो उतना रख सकते हो। यहाँ से जैसे कि 10 सेकेंड हो तो फिलहाल मैं 10 सेकेंड कर लेता हूँ। तो ये 10 सेकंड तक मैंने ड्यूरेशन को कर लिया है। इतना करने के बाद फिर आपको बैक चले आना। बैक चले आने के बाद में यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट में आप जिसका भी नाम का बनाना चाहो उसका लेटर यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं एस का बना लेता हूँ और यहाँ पर कलर को कर देंगे हम यहाँ पर वाइट। और फिर यहाँ पर रोबोट रेगुलर पर क्लिक करना है। रोबोट रेगुलर में आपको कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर। तो एनी डोर इस फॉन्ट के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे। तो मैं साइज को बढ़ा लेता हूँ। तो ये साइज़ को इंक्रीज कर लिया। साइज़ को इंक्रीज करने के बाद में अपने नाम का लेटर जो भी है उसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर देंगे। ड्यूरेशन को लास्ट तक करने के बाद में फिर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कलर एंड फिल आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, थर्ड वाला ऑप्शन पर। और यहाँ पर ये थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इसके नीचे सबसे नीचे लास्ट में, इसको यहाँ पर 0 कर देंगे, 0% करके राइट क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद फिर बैक चले आएंगे। फिर इस पर जो नाम पर क्लिक करना है और बॉर्डर एंड शेडो का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। स्ट्रोक को हम यहाँ पर स्ट्रोक के कलर को कर देंगे वाइट। और यहाँ पर आप शेडो रखना चाहते हो तो उसको भी इनेबल कर देंगे। और शेडो का कलर जो भी वाइट हो उसको हम आप यहाँ पर नीचे से एडजस्ट भी कर सकते हो जैसे किस पोजिशन में रखना है। तो यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद में इसकी साइज़ को मूवमेंट ट्रांसफर क्लिक करके मैं थोड़ी सी यहाँ से घटा लेता हूँ और इसको सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद में फिर इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है। इफेक्ट में ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ड्राइविंग प्रोग्रेस इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एंड पर क्लिक करना है और एंड को यहाँ पर आपको राइट में स्क्रॉल कर देना है पहले और इसको 0 कर देना है। 0 करने के बाद में फिर प्लस वाला आइकन देख करके यहाँ से लास्ट में चले जाएंगे। फिर प्लस वाला आइकन देख करके इसको लेफ्ट में स्क्रॉल करना है। तो इसको लेफ्ट में एंड्रेड कर देंगे। उसके बाद में बैक चले आएंगे लास्ट में और फिर यहाँ पर जो बैकग्राउंड ऐड किया है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड इफेक्ट में यूवी शिफ्ट ये वाला इफेक्ट ऐड करेंगे और फिर प्लस वाला आइकन देकर के यहाँ से लास्ट में चले जाएंगे और फिर लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे 4x+। तो ये 4x+ हो गया, इसका कलर्स अच्छे से एडजस्ट हो गया है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो PNG है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पर क्लिक करके उस PNG को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यही PNG है, इसको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर क्लिक करना है और थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके साइज को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और फिर स्वाइप करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लिया, तो यहाँ तक इतना एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा इसको हम 50° रोटेट कर देंगे इतना, तो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो इसकी ड्यूरेशन है उसको लास्ट तक कर लेना है। तो यहाँ तक ही ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लिया।
फिर इसके ऊपर जो टेम्पलेट है ऐड करना है, तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज वीडियो पर क्लिक करेंगे और उस टेम्पलेट को ऐड कर लेते हैं। तो ये वो टेम्पलेट है, इसको थ्री लाइन पर क्लिक करके फिर स्क्रीन कर देंगे। फिर स्क्रीन करने के बाद में फिर यहाँ पर इस टेम्पलेट पर क्लिक करना, ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पर क्लिक करेंगे, लाइट एंड पर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद इसका जो ज़्यादा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर लेंगे पहले। तो यहाँ तक ये ट्रिम हो गया है। ट्रिम करने के बाद में फिर ऑल मटेरियल आपको हैशटैग के बीच में मिल जाएगा। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, इमेज वीडियो पर क्लिक करना और इसका जो लिरिक्स वीडियो है उसको ऐड कर लेंगे। तो ये भी वीडियो है, इसको वीडियो को एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर देंगे। वीडियो को डिलीट करने के बाद फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसका जो रेंड्रॉप है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो यही वो वीडियो है, तो इसको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। पहले इसके ऑडियो को म्यूट कर लेना है। म्यूट करने के बाद में फिर इस वीडियो पर क्लिक करना है, रेंड्रॉप वीडियो पर थ्री लाइन पर क्लिक करके फिर स्क्रीन कर देंगे। फिर स्क्रीन करने के बाद में जो ज़्यादा पार्ट है इसको हम ट्रिम कर लेंगे यहाँ पर। तो ये ट्रिम हो गया है, और इतना करने के बाद में फिर इस वीडियो पर क्लिक करना जो अभी ऐड किया है उस पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पर क्लिक करेंगे, लाइट एंड पर क्लिक करेंगे और इसको स्क्रीन कर देंगे। आप चाहो तो इसको लाइट एंड भी रख सकते हो और स्क्रीन भी रख सकते हो। तो हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करके गैलरी में सेव करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय ऑल।